सो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल टॉप से। टुडे में आज हम डिस्कस करने वाले राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, इस स्टॉक के अंदर आज के दिन 65 पैसे की तेजी देखने को मिल रही है और ये स्टॉक आधे परसेंट के करीबन की रैली दिखाता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक करंट लेवल पर 316 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। हम इस वीडियो के माध्यम से ये डिस्कस करेंगे कि इस स्टॉक को अगर आप आगे के 3 महीने के लिए होल्ड करते हैं तो क्या टारगेट बनते हुए नजर आएंगे और हमें स्टॉप लॉस कहां पर ट्रेड करके रखना चाहिए। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो इस स्टॉक के अंदर जो नीचे में एक डबल बॉटम बन चुका है वो 265 रुपीज पर, 265 रुपीज पर स्टॉक के अंदर। अगर आप इस स्टॉक के अंदर आगे के 3 महीने के लिए स्टॉक को होल्ड करना चाहते हैं तो नीचे में 300 रुपीज का एक स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि जब स्टॉक 300 रुपीज से ऊपर आएगा तो स्टॉक में एक तेजी का मोमेंटम देखने को मिल रहेगा और ऊपर के टारगेट अराउंड 400 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं, क्योंकि स्टॉक जैसे ऊपर में 340 रुपीज के प्राइस को ब्रेकआउट देगा, स्टॉक के अंदर एक बड़ी तेजी का मोमेंटम आता हुआ नजर आएगा। जब तक स्टॉक इस प्राइस से नीचे है, स्टॉक के अंदर ऊपरी लेवल पर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहेगा। तो अगर आपके पास ये स्टॉक है तो एक स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बनाए। अगर स्टॉक नीचे में 300 रुपीज के प्राइस को ब्रेक डाउन करता है तो स्टॉक के अंदर और बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।